बायोलॉजी 10+1 जिसके 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके टोटल 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर 1 व्हाट इज अ सेल, नंबर 2 सेल थ्योरी, सेल की थ्योरी क्या है, किस किस ने सेल की थ्योरी दी, नंबर 3 एन ओवरव्यू ऑफ सेल, नंबर 4 प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 2 पार्ट्स हैं, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, और नंबर 2 पे राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। नंबर 5 पर पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, इसके इलेवन पार्ट्स हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 सेल वॉल, नंबर 3 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसके अगेन 4 पार्ट्स हैं, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। नेक्स्ट इसका 4th पार्ट जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 5 प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स में 3 पार्ट्स पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। देन नंबर 6 राइबोसोम्स, नंबर 7 साइटोस्केलेटन, नंबर 8 सीलिया एंड फ्लैजेला, नंबर 9 सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, नंबर 10 न्यूक्लियस, नंबर 11 माइक्रोबॉडीज़।